मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया बड़ा दावा, कहा बहुत कमजोर है मोदी सरकार, हमारे संपर्क में है एनडीए के कई दल, राहुल गांधी के दावे को बीजेपी ने बताया बकवास। उत्तरी कश्मीर में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़, बारामूला मुठभेड़ में दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया ढेर, पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी और एक जवान के भी घायल होने की है सूचना, आज श्रीनगर जाएंगे पीएम मोदी। नीट पेपर लीक मामले में आया नया मोड़, आरोपी अनुराग यादव ने किए कई बड़े खुलासे, अनुराग ने कबूल कर लिया है कि उसे परीक्षा से पहले मिल गया था प्रश्न पत्र, साथ ही उसने कहा नीट परीक्षा में 100% वही सवाल पूछे गए जो उसे पहले ही मिल गए थे, अनुराग ने पेपर लीक होने की कर दी है पुष्टि। देश भर में मौसम दिखा रहा है अपने अलग अलग रंग, कहीं भारी बारिश से परेशान है लोग तो कहीं बारिश की आस में झेल रहे हैं लू का तांडव, पूर्वोत्तर राज्य में लगातार बारिश के चलते भूस्खलन की हो रही हैं घटनाएं, मौसम विभाग ने 20 जून यानी आज लगभग 20 राज्यों में भारी बारिश होने की जताए हैं आसार। मुंबईकरों को 20 जून से पहले गर्मी से राहत मिलना है मुश्किल, मौसम विशेषज्ञों के अनुसार महानगर में होगी छिटपुट बारिश लेकिन अच्छी बारिश होने की अभी नहीं है कोई आसार, वहीं क्षेत्रीय मौसम विभाग के अनुसार 20 जून से मुंबई में सक्रिय हो सकता है मानसून, मुंबई और आसपास के जिले में पिछले दो दिनों से हो रही है रुक रुक कर बारिश।